हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेबर लॉ एडवाइजर में। आज इस पहले वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट यानी ESI की। लेबर लॉ एडवाइजर चैनल में हम एक्ट्स, लॉज और उससे रिलेटेड स्कीम्स की बात करेंगे, वो भी केवल 5 मिनट के अंदर, यानी सिर्फ काम की बात, नो बकवास। अगर आप एक CA हैं, बिजनेस ओनर हैं या अकाउंटेंट हैं, तो आपके लिए ESI लॉ जान लेना बहुत आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, ESI एक्ट क्या है। सेकंड, इसकी एप्लीकेबिलिटी। थर्ड, इसके बेनिफिट्स। फोर्थ, इसकी रेट्स एंड लिमिट। एंड फिफ्थ, एक वर्किंग एग्जांपल। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे आप ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस न करें। वॉट इज ESI स्कीम? ESI स्कीम इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज अ सेल्फ फाइनेंस इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम टेलर टू प्रोवाइड सोशल प्रोटेक्शन टू वर्कर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स। आसान लफ्जों में, ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक इंश्योरेंस स्कीम है, जो इसके अंडर कवर्ड एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली को वेरियस बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी मेडिकल इंश्योरेंस से बढ़कर है। इसके अंडर सिकनेस, मैटरनिटी, डेथ, डिसेबलमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कई सारे बेनिफिट्स हैं। आज भारत में ESI के तहत 2 करोड़ से अधिक एम्प्लॉयज और उनके 7.5 करोड़ से अधिक फैमिली मेंबर्स कवर्ड हैं। स्कीम के अंडर पूरे भारत में 150 से अधिक अस्पताल और 15,000 से अधिक डिस्पेंसरीज वर्क कर रही है। सेकंड, एप्लीकेबिलिटी। किसी बिजनेस पर ESI लगेगा या नहीं, इसको जानने के लिए 3 बिंदुओं का ख्याल रखें। एरिया, ESI स्कीम इन फेजेस अक्रॉस इंडिया लागू की गई है और आज भारत के अधिकांश हिस्सों में ये ऑलरेडी लागू है। दूसरा, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। ESI स्कीम सभी प्रकार के शॉप, एस्टेब्लिशमेंट एवं फैक्ट्रीज पर लागू है, अनलेस स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। एंड थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। कोई भी बिजनेस, इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10 या उससे अधिक होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर के एक दिन भी क्यों ना हो, वो ESI स्कीम के अंडर कवर होने के लिए बाध्य है। थर्ड, बेनिफिट्स। ESI के अंडर कवर्ड एम्प्लॉयज एवं एम्प्लॉयर्स के लिए कई सारे बेनिफिट्स हैं। एम्प्लॉयज के लिए सिकनेस, मैटरनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेथ एवं डिसेबलमेंट के केस में फ्री ट्रीटमेंट, कैश इंसेंटिव एवं पार्शियल वेजेस उपलब्ध है। साथ ही साथ एम्प्लॉयर्स के लिए वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट, डिसेबलमेंट एटसेट्रा को ESI स्कीम कवर करती है, जिसके कारण वो अपना पूरा फोकस बिजनेस और वर्क पर कर सकते हैं। फोर्थ, रेट्स एंड लिमिट्स। इसमें हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। यदि ESI कवरेज हो जाने के बाद किसी पॉइंट पर इंडस्ट्री या बिजनेस की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 10 से कम भी हो जाती है, उसके बावजूद वो ESI के अंडर कवर्ड रहेगा। सेकेंड, वेज लिमिट। वॉट इज वेज? वेज इज सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ अलाउंसेज एंड सैलरीज सच एज बेसिक, DA, HRA एटसेट्रा। इसके अंतर्गत कुछ अलाउंसेज एग्जम्प्टेड है, जैसे ट्रेवल अलाउंस एंड वॉशिंग अलाउंस। अब किसी भी एम्प्लॉय जिसकी वेजेस 21,000 या उससे कम है, वो ESI लॉ के अंतर्गत कवर्ड रहेगा। थर्ड है कॉन्ट्रीब्यूशन रेट्स। कॉन्ट्रीब्यूशन रेट इज करेंटली 6.5%। इसके 2 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है। 1.75% इज डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज वेजेस एंड 4.75% इज एडिशनल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर। कुछ न्यूली इम्प्लीमेंटेड ESI एरियाज में यह रेट 4% है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है 1% and 3%, यानी 1% इज डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज वेजेस एंड 3% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर। लास्ट, हम एक एग्जाम्पल करेंगे। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जिसकी वेजेस यानी बेसिक प्लस DA प्लस HRA इत्यादि का समेशन किसी मंथ के लिए 10,000 है, तो उस महीने के लिए एम्प्लॉयज शेयर रहेगा 1.75% ऑफ 10,000 यानी ₹175, और एम्प्लॉयर शेयर रहेगा 4.75% ऑफ 10,000 यानी ₹475। इसका मतलब है 10,000 में से ₹175 डिडक्ट कर दिए जाएंगे और एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलेगी वो ₹9,825 मिलेगी। वहीं
ईएसआई अकाउंट में जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो 175 रुपये प्लस 475 रुपये होगा, यानी 650 रुपये होगा। इस प्रकार से जो एम्प्लॉय की सीटीसी रही, यानी कॉस्ट टू कंपनी रही, वो रही 10,000 प्लस 475 रुपये, अज्यूमिंग दैट कोई और प्रकार के एक्ट जैसे पीएफ या बोनस उस महीने के लिए अप्लाई नहीं हो रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट की, जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड एक्ट, यानी पीएफ एक्ट। यदि आप ईएसआई पीएफ की कंसल्टेंसी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में जाएं या फिर विजिट करें esipfadvisor.com। अगर आपके किसी प्रकार के डाउट्स हैं या सजेशन हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।